उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले में दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई। यहां लोनी इलाके में बुजुर्ग दंपत्ति के शव मिले हैं, जिसमें बुजुर्ग का शव घर के अंदर मिला है, जबकि उसकी पत्नी की लाश घर के बाहर मिली है। सूचना पर आसपास के लोगों की भीड़ जुट गई। सूचना मिलते ही एडीजी जोन राजीव सभरवाल और आईजी मेरठ के साथ वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने घटनास्थल का निरीक्षण किया। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी है। दरअसल दोहरे हत्याकांड की घटना लोनी के ट्रोनिका सिटी थाना इलाके की चर्च कॉलोनी की है, जहां मूल रूप से बिहार के रहने वाले इब्राहिम परिवार के साथ रहते थे। वो कबाड़े का काम करते थे। परिवार में दूसरी पत्नी हाजरा और बेटी है। इब्राहिम के परिवार के अन्य सदस्य अलग अलग इलाकों में रहते हैं। इब्राहिम की बेटी का कहना है कि मंगलवार सुबह वह घर से बाहर निकली तो उन्होंने अपनी मां का शव घर के बाहर देखा। इसके बाद वो अपने पिता के कमरे में गई तो वहां पिता मृत अवस्था में पड़े मिले। उन्होंने घटना की सूचना पुलिस को दी। डॉग स्क्वाड और फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाकर निरीक्षण कराया। घटना की सूचना पर पहुंचे मौके पर एडीजी जोन राजीव सभरवाल और आईजी मेरठ ने बताया कि पुलिस की जांच चल रही है, जल्द हत्या का खुलासा किया जाएगा। बताया कि एसपी देहात के नेतृत्व में टीम गठित कर दी गई है और पूरे मामले की अलग अलग एंगल से पुलिस टीम जांच में लग गई है। ये छोटी सी गुमटी है जिसमें एक ही इसके दो पार्ट हैं, जिसमें से इन्हीं के परिवार के एक में कुछ लोग रह रहे हैं और बाकी में ये दो हस्बैंड वाइफ हैं जो कि कबाड़ का काम करते हैं। प्रथम दृष्टया घटनास्थल का निरीक्षण करने पर कोई फोर्स एंट्री इसमें नहीं है। इससे स्पष्ट हो रहा है कि किसी जान पहचान वाले व्यक्ति के कारण उन्होंने दरवाज़ा खुला हुआ है। बहुत क्लियर स्ट्रगल मार्क्स नहीं है, बट फिर भी सभी संभव डायमेंशंस पे, सभी संभव आयामों पर हम लोग विश्लेषण कर रहे हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्लूज हमें मिले हैं जिस पर हम लोग इस घटना को बहुत जल्दी इसका अनावरण करते हैं। सर, अगर प्रथम दृष्टया देखी जाए तो इस घटना की क्या वजह हो सकती है? मैंने बताया ना कि कोई नोन चेहरा इसमें शामिल है और हम लोग इस बेसिस पर बहुत जल्दी इस घटना का अनावरण करेंगे। सर, किस तरह की लूट वगैरह हुई थी? अभी प्रथम दृष्टया ऐसी स्थिति नहीं लग रही है, लेकिन हम लोग सभी डायमेंशन पे काम कर रहे हैं। मैंने बता दिया कि इसमें कोई फोर्स एंट्री नहीं है, कोई जान पहचान वाला कोई ना कोई व्यक्ति जरूर है और इस जो हमें महत्वपूर्ण कुछ साक्ष्य मिले उस पर हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं।